हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक और छोटी सी प्यारी सी पेशकश मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं। आज जैसा कि महाकुंभ में ये महानिर्वाणी अखाड़े की आज ये पेशवाई होने जा रही है, तो कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं डायरेक्टली इस पेशवाई को अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप सभी के लिए ये जो पेशवाई की वीडियो है, फुटेज है, आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो को लास्ट तक देखना है और एंजॉय करना है इस प्यारी सी पेशवाई का। फ्रेंड्स, आपसे बस एक थोड़ा सा कहना है मेरे को कि आपको पेशवाई कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज, इस तरह की कवरेजेस आपके लिए फ्रिक्वेंटली लेकर आता रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो, जहाँ पर हम कवर करेंगे महानिर्वाणी अखाड़े की ये सुंदर सी पेशवाई। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं कि जो हमारे सभी साधु संत हैं, जहाँ अलग अलग स्थानों पर रुके हैं, वो सबसे पहले एक ऐसे स्थान पर आकर एकत्रित हो जाते हैं जैसे कि ये पेशवाई स्टार्ट होनी है। वहाँ पर इन सभी संतों का भव्य स्वागत होता है। फिर पूरा संत समाज एक मंच पर एकत्रित होता है जहाँ से कि पेशवाई का आरंभ होता है, और इसी बीच पूज्य गुरुजी ने कुछ संदेश दिए, आइए उसको सुनते हैं। गांधी जी के एक वर्ष तक पैदा हुए थे, पैदा तो एक ही दिन हुए थे, परंतु एक वर्ष तक उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे ही कुंभ का जो पर्व है वो 14 अप्रैल का है, हम लोग उत्सव मनाते हैं 4 महीना का, 2 महीना का। इस वर्ष ये कुंभ का उत्सव 1 महीना का मनाए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के स्थिति को देखते हुए, इसलिए ये सब लाभ लेवे। अरे महापुरुष क्या करते, हम तपस्या करेंगे, सब प्रसन्न रहे, सब खुश रहे, सब आबाद रहे, सब धनाढ्य रहे, सब परस्पर प्रेम प्यार से रहे। इसी भावना के साथ कुंभ मेला का जो आगाज हुआ है, उसमें सभी महापुरुष जो अपना भागीदारी दर्ज किए हैं, अभी अभी हमारे पेशवाई निकल रहे हैं, पेशवाई के साथ चलेंगे और सब आनंद।
हारम भुजगेन्द्र हारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम देव
तो ये थी महानिर्वाणी अखाड़ा की पेशवाई जो आप अभी तक मेरे साथ देख रहे थे चैनल निशा चटोरा पर। आपको ये पेशवाई कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा चैनल मिस्टर चटोरा के साथ। मिलूंगा अगली बार फिर से किसी नई वीडियो के साथ, नई पेशवाई के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।